ठीक लग रहा? अलीश पास बात हुई तुम्हारी? मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या पूछ रही? तुमने मुझसे कहा था ना कि टीना ने लिशबा से झूठ कहा है। हाँ, लिशबा ने बताया था जब वो ऑफिस आई थी। तो फिर तुम्हें ये कैसे पता कि लिशबा को सादान ने तुम्हारे ऑफिस से निकलते हुए देख लिया था, और ये भी कि सादान को ये सब कुछ जानबूझ के बताया गया? इसका मतलब साफ है कि तुम्हारी और लिशबा की अभी भी बात होती है उसे घर वापस जाने के बाद। समय ऐसी कोई बात नहीं है, लिशबा जब घर आई थी तो मैं वहां पर ही था। अरे तुम पहले से जानते थे कि अलिशबा ने घर जाना है, इस वजह से तुम पहले से वहां चले गए। तुम इतना गलत क्यों सोचती हो? समन, मैं बहुत सब्र करता हूं, लेकिन और कितना कर सकता हूं? मुझे प्लीज और मत गिराओ। अगर मैंने लिशबा के साथ कोई भी रिश्ता जोड़ना हो तो डंके की चोट पे जोड़ूंगा। मेरा सब्र मत आजमाओ। क्या कर रहे हो? तुम मेरे घर आ सकते हो तो मैं भी तुम्हारे घर आ सकती हूँ। वैसे क्यों आए थे मेरे को? तुमसे मिलने नहीं आया था, तुम्हारे भाई से बात करूंगा। ओ हाँ, तुम्हें तो लॉ की डिग्री मिल गई है ना, मुझे नहीं बताया। ये बात तो हर न्यूज चैनल को पता होनी चाहिए कि एक आशिक अपनी लवर का मुकदमा लड़ने अपनी लवर के ही ससुराल पहुंच गया। वकालत करने नहीं गया था, तुम्हारे भाई को वार्न करने गया था कि तुम्हारी साजिश का शिकार मत। मेरी साजिश? कमाल है, मैं साजिश कर रहा हूँ, मुझे ही नहीं पता। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि फारिस तुम्हें क्या तकलीफ है कि अलिशबा वहां से चली गई है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब मेरा भाई तुम लोगों के बीच में नहीं रहा। और जहां तक यही बात समन की, तो के बारे में तो मैं जानता हूँ तुम उसे कितनी वैल्यू देते हो। मैं तुम्हारे आने का मकसद समझ नहीं पाया। फारिस, मैं तुझे वार्न करने आया कि अगर आइंदा भूल कर भी तुमने मेरे घर की तरफ अपना रुख भी किया तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तुम्हारी अलिशबा को रिहाई मिल गई मेरे भाई से, अब उसे लो और उसके साथ जाकर अपना फ्यूचर प्लान करो। दोबारा मेरे घर आके मेरे भाई को यह समझाने की जरूरत नहीं है कि अलिशबा उसके साथ सिंसेयर है और मैं नहीं। समझे?